गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अंशु पी यू फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हर हर महादेव, सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज जन्माष्टमी की सबको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे फ्लॉवर्स, उन सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। भारत के देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपको पता ही है जन्माष्टमी, तो फ्रेंड्स आज मैं ये वाली बेडशीट बिछाने वाली हूँ। और ये बेडशीट मेरी मम्मी ने दी थी जब पिछले साल अंशु का बर्थडे था ना, तो मम्मी और उन्होंने आना था, लेकिन वो आ नहीं पाए थे किसी कारणवश। सब आए थे तो बट वो नहीं आ पाए थे, तो इसी मारे फिर मैं नेक्स्ट डे गई थी उनको सारा मतलब सामान सामून देने अंशु के बर्थडे का, क्योंकि मैंने बनाया सब कुछ था, लेकिन कोई कारणवश मेरे भतीजे की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसी मारे मम्मी भाई भाभी कोई नहीं आ पाया था। तो इसी मारे फिर जब मैं गई थी ना, तो मम्मी ने मुझे बेडशीट दी था, तो इसी मारे ये देखिए ये बेडशीट है, डबल प्रिंट बेडशीट, ग्रे कलर है। तो आप कमेंट्स में बताना आपको ये बेडशीट कैसी लगी, डबल बेडशीट है, डबल बेड की। तो फ्रेंड्स मैं आज मैं ये बिछाऊंगी और उसके बाद घर पर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही क्या किचन जन्माष्टमी है, तो आपको पता है किशन जन्माष्टमी है, तो भगवान से मेरी, कान्हा जी से, मेरे महादेव से यही प्रार्थना रहेगी, जिनके घर में कन्हैया जी नहीं है और जिनके घर में राधा रानी नहीं है, भगवान उनको राधा रानी दे, और जिनको कान्हा जी की जरूरत है, भगवान उनकी खुशियां झोलियों से भरे, कान्हा जी दें। तो मेरी, मेरे भोलेनाथ और मेरे कन्हैया जी से यही प्रार्थना रहेगी आप सबके लिए, यूट्यूब फैमिली के हर मेंबर्स के लिए, देशवास कि जिनके घर में जिसकी ज़रूरत है, भगवान उसको वो सब कुछ दे। तो बोलिए हर हर महादेव, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अभी मिलते हैं वहाँ से थोड़ी देर के बाद। चलिए फ्रेंड, सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा, बच्चों को नाश्ता करा दिया। आज पति देव की तो 4 दिन की छुट्टी है इनकी, तो वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। और जैसे कि आज जन्माष्टमी है, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बिछाई थी, मैंने आपको वही बेडशीट बिछाई है, तो बताइएगा आपको इसका प्रिंट कैसा लगा। ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, और अभी मैंने मंदिर नहीं सजाया है, इनके पापा गए हैं, पीहू के पापा, वो बाहर से मार्केट से कुछ सामान लेने, तब तक मैंने नाश्ता पानी सबको करा दिया, झाड़ू पोछा, घर का सब काम हो गया। आज कपड़े धोने नहीं थे वीरवार, कि आज जन्माष्टमी है जैसे, तो कन्हैया जी के लिए ना अपने घर से खुद मक्खन निकालना चाहिए, मम्मी निकालते हैं नीचे। अभी मेरी सासू माँ भी थोड़ा सा मक्खन और मिश्री का भोग शाम को जरूर लगाएंगी, वो जरूर निकालेंगी। और उसी तरीके से भी मेरी भी बहुत सारी मिलाई पड़ी थी जो साफ सुथरी होती है, क्योंकि मिलाई मेरे घर में ना तो मेरे बच्चे खाते हैं, ना वो पति देव खाते हैं, बस मैं ही खाती हूँ ब्रेड में लगा के, जस्ट मैं भी रोज़ नहीं खाती फैट की वजह से। तो फिर मैंने एक जो बड़ा डिब्बा मिलाई थी उसका तो फ्रेंड्स घी निकाल लिया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और जो अभी मेरी 4 से 5 डेज की मिलाई थी उसका मैं मक्खन और मिश्री बनाऊँगी थोड़ा सा, और सबका घी निकाल दूँगी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये मेरी पहले की मिलाई थी, काफ़ी डिब्बा भर के थी, तो मैंने इसे डायरेक्ट, इसका मक्खन नहीं निकाला, मैं आपको दिखा नहीं पाई, इसकी डायरेक्ट मिलाई थी तो मैंने डायरेक्ट ही इसका मक्खन मतलब घी निकाल लिया, इसका मक्खन ही निकाला, कि जैसे मिक्सी में या फिर हाथ से ग्राइंडर करके, तो मैंने इसका मक्खन निकाला, उसको मैंने डायरेक्ट ही इसको मैंने डाला कढ़ाई में, मिलाई को सारी, और कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो पे करके हमने रख देना है। तो आपको जैसे कई बार जल्दी होती है और मिलाई बहुत दिन की होती है, अब उसका मक्खन नहीं निकल पाता, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप कुछ मत कीजिए, आप सीधा मिलाई को सारी अपनी कढ़ाई पर डाल दीजिए पैन में, और ये देखिए कितना अच्छा मक्खन निकला, ये देखिए कितना अच्छा घी निकला है। इसका मैंने मक्खन पहले नहीं निकाला, डायरेक्ट मिलाई को इसमें डाला और मैंने इसका घी तार लिया, अभी इसमें हैगा तो ये तर जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जैसे कि आपको पता है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने मक्खन निकाला है, वो चीज़ दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये थी मेरी 4 से 5 दिन की मिलाई, एक डिब्बा भर के, मतलब इतना बड़ा डिब्बा था स्टील का वो, तो ये मैंने मक्खन निकाला है उसका, ये मैंने मिक्सी में निकाला है, इसको फिर 2 बारी आरओ के पानी से मैंने धो लिया और इसको रख दिया फ्रीजर में। अब तो ये देखिए फ्रेंड्स, घी हो गया है बिल्कुल ठंडा, और ये मेरे पास अमूल देसी घी का ना डब्बा पड़ा था, अमूल का देसी घी का, तो मैं इसी में निकाल दूंगी, ये कुप्पी वाली छन्नी है, ये पापा जी लेके आए थे, तो मैं इसी में निकाल दूंगी धीरे धीरे। ये निकल गया है मेरा देसी घी अमूल के डिब्बे में ही मैंने से। फ्रेंड्स आज का व्लॉग आप पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा इस मारे कह रही हूँ मैं बार बार आपको, आज के व्लॉग में कुछ जन्माष्टमी के लिए स्पेशल है, तो स्पेशल चीज़ों को देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो पहले मैं अंशु को दे दूँ नमकीन, वो नमकीन मांग रहा है बहुत देर से मुझसे, मम्मी नमकीन दे दो, तो मैं उसको नमकीन दे के बिठाऊँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इनके पापा को, पीहू को भेज के पापा को भेजा था बाहर,
सामान लेने के लिए। लो लो अंशु, तो सामान मार्केट से जो घर में अवेलेबल नहीं था, जैसे कि फूलों की माला मंगाई है तो घर में नहीं थी, तो मैंने कहा मंगाती हूँ, भगवान जी को सजाएंगे अभी। और ये हमारे घर में स्पेशल है, दाल मखानों की खीर बनेगी। और साथ में ये छोटी सी मटकियाँ मंगाई है मैंने कान्हा जी की बर्थडे के लिए, इसमें हम माखन मिश्री रखेंगे। इसे मैं अभी धो के रख दी हूँ और इसमें हम मक्खन और मिश्री को रखेंगे। देखिए बताना फ्रेंड्स ये क्या, और प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा आज का जन्माष्टमी का। तो ये देखिए दो छोटी छोटी मटकियाँ, इसमें हम मक्खन और मिश्री रखेंगे, ठीक है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट है जो ख़त्म हो रहे थे तो वो मंगाए हैं, साफ मिश्री मंगाई है, और ये धनिया मंगवाया है पिसा हुआ मैंने प्रसाद के लिए, और ये पेपर मंगाया है मैंने अपने मंदिर के लिए। देखिए फ्रेंड्स मंदिर के लिए पेपर है, ठीक है। और ये रोटी के पोने मंगाए हैं, एक पोना मेरा पोछने वाला भी फट गया है और ये मैं धो के बाहर डाल दूंगी अभी। तो ये इनके पापा दो मटकी लेके आए थे, वो मक्खन मिश्री से मैंने भर दी है। और ये कान्हा जी को हम रात को जन्म होने से पहले उनके मंदिर में रख देंगे, फिर कन्हैया जी का जन्म होगा और वो आते ही मक्खन मिश्री खाएंगे, खाएंगे ना। तो ये दो मटकी मैंने तैयार करी है, एक अपने मंदिर के लिए, एक मम्मी के मंदिर के लिए। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दिन के 3, नींद तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि नींद आएगी क्यों, क्योंकि आज तो हमारे कान्हा जी ने आना है ना, लड्डू गोपाल का बर्थडे है। जब हमें अपने बच्चों के जन्मदिन पे नींद नहीं आती तो ये तो मेरे कान्हा का बर्थडे, तो हमें नींद आएगी क्यों। तो फ्रेंड देखिए मैं दिखाऊंगी आपको मैंने मंदिर कैसे सजाया है, और नीचे का मैं शाम को दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मी ने अभी ना वहाँ आराम करी है, मम्मी गई सो, अगर मैं जाके बोलूँगी ना उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फ्रेंड एक ऐड आती है, आप लोगों ने भी कार्टून देखा होगा, पतला सा था अम्मा का सीटा बोलता है, वो अंशु करेगा, चलो अंशु बहुत अच्छा करता है फ्रेंड, ये कर नहीं रहा। ये मेरे महादेव बैठे हैं, ये रे हमारे कान्हा जी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो हाथी घोड़ा पाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा मंदिर जो हमने सजा दिया है, और आज ही ये पेपर इनके पापा लाए हैं, ये कागज में नहीं है, ये प्लास्टिक में है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका प्रिंट बहुत प्यारा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना छोटा सा मंदिर सजाया है, वही देखिए बैलून सजाए हैं। तो आप बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा मंदिर। ये मंदिर को सजा के सो गए थे और अंशु अभी भी सो रहा है, तो फिर झाड़ू पोछा लगाने का, मुंह हाथ धोया, मुंह हाथ धोने के बाद हमने एक बनाई है अपने वर्ष की कॉफ़ी, पीहू मैं और पीहू के पापा पिएंगे कॉफ़ी, और साथ में हम खाएंगे साबूदाने के वर्त वाले पापड़। तो फ्रेंड्स देखिए ये भून रहे हैं मखाने, और इसका इधर पकाया मैंने दूध, और ये भुन रहे हैं मखाने, मखाने भुनने के बाद मैं इसे ठंडा होने दूंगी और उसके बाद मैं पीसूंगी सिर्फ ग्राइंडर मिक्सी में। और ये भुन लिए कढ़ाई हो गए, देखिए यहाँ से ऐसे ये, और ये पीतल की कढ़ाई में बनाऊंगी भगवान जी की खीर दाल मखानों की, और जो खाने का प्रसाद है जिसका हम भोग लगाएंगे जो बिना लहसुन और प्याज में बनेगा, जैसे कि आज हमारे खाने में बन रहा है छोले पनीर की सब्जी जो बिना लहसुन और बिना प्याज के बनेगी, और आलू गोभी की सब्जी, वो उसमें भी प्याज और लहसुन नहीं डालेंगे। बिहारी लाल की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो महाकाल उज्जैनी बाबा की जय, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार जय, वृंदावन बोले मो हज मोरे गोकुल टोर भयो मारी, वृंदावन बोले मोरे हज मोरे करेंगे। थोड़ा तो डांस बनता है ना कान्हा जी के बर्थडे पे, नहीं हो गई। तो देखिए हम भी तैयार हो गए, मम्मी भी आ गई है, और पीहू भी तैयार हो गई है, और नोनू भी तैयार हो गई है, ये देखिए अभी तैयार हो रहा है, ये देखिए कृष्णा, तो हम डांस करेंगे। वृंदावन बोले मोर अज मोर गोकुल में शोर भयो बारी,
गोकुल में शोर भारी, गोकुल में शोर भारी, गोकुल में शोर भारी। फ्रेंड्स आपने मेरा मंदिर देखा, ऐसा लग रहा था अब मैं बच्चों को नीचे भेजूं कैमरा लेके, पीहू पूरी वीडियो बनाएगी मंदिर की। सब तैयार हो चुके हैं, नीचे भी सिस्टर भी मम्मी भी सब कोई, तो आप लोग वहाँ पे भी देखना। मैं जा रही हूँ नीचे दादी का कमरा दिखाने, आप किसे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए दादी, देखिए दादी का मंदिर है। देख ये राधा कृष्ण, ये देखिए फ्रेंड्स। तैयार हो गई हैं और परी को एक बार दिखाऊंगी तो ना आप हंस पड़ोगे। एक बार दिखाती हूँ आप। देखिए मैं ऊपर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स पीहू भगवान की पूजा करते हुए कान्हा जी की, क्या बोलोगे कान्हा जी को? पीहू जयकारा लगाओ कान्हा जी का, बोलो कृष्ण भगवान की जय। चलो अंशु आप भी करो पूजा, बोलो कृष्ण की जय। तो छोटे छोटे बच्चों में कितना चाव होता है ना, जैसे इनका खुद का बर्थडे होता है फ्रेंड्स, वैसे ही ये कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक सरप्राइज है, सब कुछ तो मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाया सुबह से दोपहर से लेकर शाम तक का, लेकिन जैसे हम अपने बच्चों को सरप्राइज देते हैं वैसे ही कान्हा जी हमारे भगवान बच्चे प्रभु लड्डू गोपाल, जो आज हम जो कुछ भी हैं तो हम अपने भगवानों की वजह से ही हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने बच्चों को कई बार बोलते हैं ना, स्कूल गए होते हैं या कहीं पे भी होते हैं, कि बच्चों के लिए सरप्राइज है उनको शाम को देंगे। तो एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बिल्कुल छोटा सा सरप्राइज मेरे लड्डू गोपाल मेरे कान्हा जी के लिए भी है, जो हम इनको रात के 12 बजे ही देंगे। और वो सरप्राइज आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप लोगों भी जब तक मेरी पूरी वीडियो को देखना एंड तक बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में, तो आपको पता लगेगा आज मेरे कान्हा जी के लिए मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैंने क्या सरप्राइज रखा है। और वो रात के 12 बजे ही ओपन होगा, और वो सरप्राइज मेरे लिए भी, मैं वैसे तो सबके लिए बड़ा है लेकिन मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा तोहफा अपने कान्हा जी को देना चाहती हूँ, जो मैं अपने बच्चों के लिए भी रखती हूँ जब उनका बर्थडे होता है। आपने वो सरप्राइज मेरे कान्हा जी के लिए होगा। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा तभी आपको मजा आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, वृंदावन की गलियों में, मथुरा की गलियों में, सारे मंदिरों के दर्शन कराएंगे, राधा कृष्ण मंदिर, बालाजी मंदिर, शिव मंदिर। हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं अपने घर से चारों तरफ मंदिरों में, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड्स आप सोचोगे कि मैंने मथुरा वृंदावन क्यों बोला, कि मैं तो स्वरूप नगर में हूँ, दिल्ली में हूँ। तो आज हर नगरी, आज की फ्रेंड्स हर नगरी, हर गली, हर इलाका, हर मोहल्ला, हर घर वृंदावन और मथुरावन से कम नहीं है। बताइए है या कम नहीं? तो हर घर में मेरे कान्हा जी स्थापित हुए हैं, हर घर में कान्हा जी जन्म लेंगे। तो मेरे लिए मेरा घर, मेरी गलियां, मेरा मोहल्ला ही वृंदावन मथुरा है। तो चलते हैं अपनी गोकुल की गलियों में वृंदावन से अपने कान्हा जी से मिलने। तो राधे राधे के जयकारे लगाते हुए चलेंगे। बहुत देर से पीहू एक गाने पे डांस कर रही है, तो सुबह से तो मैं इस गाने पे क्रिएट किया इसने, तो मैं उसी गाने का डांस आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पीहू बैठी, पीहू की मौसी भी आ गई है तैयार होके। चलो करो। वृंदावन जब वृंदावन बोले मोर मजी मोर गोकुल में शोर भयो री, गोकुल में शोर भयो री, वृंदावन बोले मोर हजी मोर गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी, वृंदावन बोले मोर हजी मोर गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो। तो फ्रेंड्स हम आ गए मार्केट में और यहाँ मिल रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे टॉयज, जिससे बच्चे, फिर बाजारों की रौनक। अब हम जा रहे हैं
शिव मंदिर यहाँ पे बहुत अच्छी रौनक लगी और यहाँ पे क्या कहते हैं प्रोग्राम भी होगा नाइट में कान्हा जी का। देखिए फ्रेंड्स बहुत रौनक है, वो देखिए छोटे से लड्डू। फ्रेंड्स देखिए हमारे यूट्यूबर फैमिली मिल गई हमें। हेलो, ये सारी हमारी यूट्यूबर फैमिली है, सब सारे सब्सक्राइबर है। अरे वाह, ये देखिए ये राधा रानी और ये छोटी सी राधा रानी जो नेल्स खा रही है और ये कान्हा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने देखिए बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, यहाँ पे हम सारी स्लीपर यहाँ रखे हैं। हम आ गए हैं, जय श्री श्याम। बहुत ही अच्छा मतलब आज कर रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने 13 साल में इतना देखा है, जैसे महादेव और मेरे कृष्ण कन्हैया साथ हैं। ये देखिए राधा रानी, कान्हा ने अपने कपड़े ही नहीं पहने। कान्हा आपने कपड़े नहीं पहने? तो फ्रेंड देखिए हम वाला पहली गुफा में से निकलते हुए जाएंगे। बोलो जय श्री श्याम। मम्मी बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, लाल की जय। जय माता की। आंटी जी जल्दी। जय श्री कृष्ण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अरे के सारे की जय। मतलब तो इन्होंने भी कितना अच्छा सिखाया है। देखिए क्या ये खेलने की चीजें थोड़ी ना है, ठीक है ये गिर गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये है कृष्ण जी को जिसने दूध पिलाया था पूछना, और ये है कान्हा जी की मटकी, दही हांडी भी रखाई थी इन्होंने। नहीं देखिए
बच्चे इंजॉय करते हुए। और ये देखिए क्या नाम है इसका, महक देखा ये फोटो खिलो खड़ी हो तो देखिए यहाँ पे खड़ी है क्या कट होना है उन्हीं चल मारते बेटा अरे चल तो करते एक बार यार नाम तो समान है ये देखो तो देखिए दही अंडी का भी प्रबंध किया है इन्होंने। इसके अंदर मक्खन डालेंगे अभी, टॉफीज डाल रखी है देखिए फ्रेंड्स बच्चों के लिए। हम जा रहे हैं अपने घर और बाय, और हम अपने फैमिली मेंबर और यूट्यूब फैमिली मेंबर से भी मिलकर जा रहे हैं। दही अंडी का प्रबंध रात के 12 बजे होगा कि हम एक और मंदिर के दर्शन करने आए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। फ्रेंड देखिए मेरे महादेव ये बैठे हैं दूल्हा बने। हर हर महादेव। फ्रेंड्स मैं इस वाले मंदिर में आती हूँ पूजा करने। थे सब मंदिरों के दर्शन करे, एक से एक मंदिर ने अपने मतलब इतना प्यारा सजे हुए थे पूछो मत। तो ये है देखिए हमारे कान्हा जी की माखन मिश्री जो हमने घर में ही निकाली है ये देखिए, और ये है धनिये का प्रसाद जो मैंने घर में ही बनाया, आपको रेसिपी भी दिखाई है उसकी। तो हम कान्हा जी के आगे रखेंगे क्योंकि सिर्फ 5 मिनट है हमारे कान्हा जी को आने में। तो अब ये भोग लगेगा दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, बोलो राधे राधे, बोलो को बोलो कुंज बिहार आने दर्शन कराओ। हाँ दर बारे हाँ बार ओह बार मुझे पाने जी के ना मटकी एक खाने बोला बोलो बोलो जय करो मुझे ओके लाओ जय चढ़ा। जय कन्हैया लाल हाथी घोड़ा बोलो राधे राधे जय कृष्ण कन्हैया। हाँ तारा है क्या कर दिया घूमर मम्मी मुझे दो मुझे अरे पापा से घर भाई तो फ्रेंड जो हमने सरप्राइज रखा था कान्हा जी के लिए वो हम ले आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में ठीक है ना, तो आप देखिएगा हमारा क्या सरप्राइज था। है वो सरप्राइज जो हम लेके आए कान्हा जी की मटकी हैप्पी बर्थडे का, और देखिए ये मक्खन गिर रहा है पूरा, ये देखिए मक्खन गिर रहा है ये कान्हा जी का मुंह। मुझे हैप्पी बर्थडे कान्हा हाथ से बनता है हाथ से। चलो तो फ्रेंड्स कान्हा और राधा रानी, फ्रेंड्स कान्हा ये हमारे छोटे से कान्हा और ये राधा रानी, ये दोनों नाक में उंगली आना। तो देखिए राधा रानी और कान्हा जी केक काटेंगे दोनों। हैप्पी दादी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी, हैप्पी बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू।
खिला दे खिला दे अंडे वाला तो नहीं था अभी भी लोग ले लेते जा रहे थे लो हमारी छोटी सी कान्हा जी हैप्पी बर्थडे राधा रानी सबको कान्हा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।